नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो आज की काफी स्पेशल है। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, इसके अलावा बताऊंगा कि कैसे हमने कल के दिन आपको 17,600 के आसपास निफ्टी बाय कराया था, और अगर आज देखेंगे तो 17,870 के आसपास का हाई निफ्टी में देखने को मिला, तो वहां से ऑलमोस्ट 270 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा हमने आज प्रॉफिट बुकिंग भी कराई थी, वो भी मैं आपको समझाना चाहूंगा कैसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी में अगले ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करेंगे, मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, कौन से स्टॉक हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में बताना चाहूंगा। बट एक चीज मत भूलिएगा, जो भी मैं आपको ट्रेड बताऊंगा उसका मैं ऑप्शन चेन का डेटा भी आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको ऑप्शन में अगर आप बाइंग करते हैं तो आपको काफी सहूलियत होगी अपने स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी को चयन करने में। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जोर देखिएगा। चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी में हमने कल बताया था कि इसमें एक फ्लैग पैटर्न देखने को मिला है, और कल हमने डिटेल में आपको कल के दिन बहुत ज्यादा डिटेल में बताया था कि ये जो फ्लैग है इसके आसपास जब मार्केट जा रहा था, यानी कि ये जो ब्रेकआउट था, तो उस वजह से हमने 17,600 पे निफ्टी को क्या कराया था, बाय कराया था। आज चलो ठीक है, 17,870 तक गया, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 18,600 तक हमें मार्केट लॉन्ग टर्म में बुलिश लग रहा है। अब मैं फिर से कहूंगा लॉन्ग टर्म में, कल नहीं कहूंगा लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जब हम कोई पोजीशन बनाते हैं, यानी कि या फिर कोई ब्रेकआउट आता है, तो हम उसमें डिसाइड करते हैं कि ये जो पैटर्न बना है ये क्या डेली चार्ट पे बनाया है, चाहे वीकली चार्ट पे बनाया या मंथली चार्ट पे बनाया। जब इन तीनों टाइम फ्रेम में पैटर्न बनता है, टाइम फ्रेम यानी कि इन चार्ट पे पैटर्न बनता है, तो वहां पे टारगेट आने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ते तो हैं, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बट अगर हम ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं अवर्ली चार्ट या फिर 30 मिनट चार्ट का यूज करते हैं। अब हुआ क्या कि आज मार्केट गया और मार्केट ने हाई बनाया। जब मार्केट ने हाई बनाया था, अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूं तो बाजार का जो हाई था, यहां पे चेक करेंगे, यानी कि निफ्टी की बात मैं कर रहा हूं, निफ्टी का जो हाई था वो एग्जैक्ट बना था 17,919 का। हमने आपको कल कहां पे बाय कराया था, हमने कराया था 17,600 पे, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के ऊपर तो मजार गया ही गया। बट हमने आपको टॉप पे सेल भी कराया था, उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, बड़े टाइम फ्रेम में टारगेट बड़े हो सकते हैं, बट स्मॉलर टाइम फ्रेम में छोटे छोटे रिवर्सल देखने को मिलते हैं। बट हमने जब आपको निफ्टी को बोला था कि सेल कर सकते हैं या फिर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते, उसका रीजन क्या था कि निफ्टी में कोई पैटर्न नहीं बना था, निफ्टी में हमें कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिला था। इवन हम अगर बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिला है, समझे। बट हम अगर देखें, हम ओवरऑल मार्केट की बात करें, तो हमने कुछ स्टॉक्स देखे, जैसे हम ITC देखते हैं, तो ITC भी हमने आज रिकमेंड करा था आपको, टॉप पे सेल कराया था, कितने पे, 337.50 रुपए पे। और आज लो जो बना है इसका, वो बना है एग्जैक्टली हम चेक करेंगे, वो बना है 335 रुपए के आसपास। इसके साथ साथ हम ICICI बैंक का चार्ट देखें तो ICICI बैंक भी हमने आज आपको 920 पे सेल कराया था। रीजन क्या था, उसका शूटिंग स्टार बना था, खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जब हमने देखा चार्ट पे ओवरऑल रिवर्सल देखने को मिला। अब एक चीज और है, मैं आपको बोर्ड पे समझाना चाहूंगा। अब देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हम मानते हैं कि हम इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब इंडेक्स में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हम निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो कई बार हम निफ्टी बैंक निफ्टी के ही चार्ट देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं कि भाई उनमें कुछ रिवर्सल देखने को मिल जाए, उसमें कुछ ब्रेकआउट्स देखने को मिल जाए, राइट, या फिर उनमें कुछ डाइवर्जेंस देखने को मिल जाए, तो उनके बेस पे काम करते हैं। बट आज हमें कुछ और देखने को मिला, हमें इंडेक्स में तो कुछ देखने को नहीं मिला, बट ICICI बैंक, इसके साथ साथ ITC और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें रिवर्सल देखने को मिले थे, वो भी टॉप पे। जब टॉप पे स्टॉक्स में रिवर्सल देखने को मिलेंगे तो एक्सपेक्टेशंस यही थी कि इंडेक्स भी गिरेगा, तो इस वजह से हमने क्या करा था, अपनी प्रॉफिट की अगर थी बुकिंग कर ली थी। अब मैं डायरेक्टली लेके जाऊंगा यहां पे आपको किस पे, चार्ट पे, और चार्ट पे समझाना चाहूंगा। बट उससे पहले मैं लेके जाऊंगा आपको कहां पे, टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल आप हमारा देखिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे हमने कुछ स्टॉक्स हमने आज के दिन रिकमेंड करे थे। जैसे कि हम टॉप पे देखेंगे तो सबसे पहले हमने ITC बताया था जब 337.90 रुपए का रेट था, यानी कि 338 रुपए का। अब ITC में क्या देखा, क्या रीजन था, मैं ITC का चार्ट ओपन करके आपको बताना चाहूंगा। तो ITC हमने 337.90 यानी कि 38 रुपए पे बोला था। अब रीजन उसका सबसे बड़ा क्या था, क्योंकि ITC में एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं डबल टॉप, और डबल टॉप के साथ साथ यहाँ पे क्या थे, नेगेटिव डाइवर्जेंस थे, जिसकी वजह से आज हमने बोल दिया था कि भाई आज ये गिरावट आएगी इसमें 338 से,
335 का लो तो बन चुका है, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि बाजार में और बड़ी गिरावट आएगी और कल के दिन ये 333 रुपये से लेके 327 तक जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझाना चाहूँगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये ITC का जो चार्ट है ये काफ़ी टाइम से लगातार तेजी बना रहा था, यहाँ पे इसने हाई बनाया, हाई के बाद इसने ये लो बनाया और ये बन गया डबल टॉप, और डबल टॉप पैटर्न जो होता है उसका इम्पैक्ट काफ़ी पावरफुल होता है जब उसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई देते हैं। तो डबल टॉप के बाद जब हमने देखा कि डबल टॉप बना के नीचे आ रहा है तो हमने क्या करी, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनवाई। और इवन अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल देखेंगे तो प्राइवेट वाले टेलीग्राम चैनल पे तो हमने स्पेशली स्टॉप लॉस भी दिया था। एग्जैक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा पब्लिक चैनल है और ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, और प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे हमने क्या करा था, डायरेक्टली सेल दिया था और स्पेशली लिख दिया था सेल का मैसेज दिया और लिखा कि सेल स्टॉप लॉस टुडेज है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में हम कुछ बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस भी यहाँ पे करते रहते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको समझेंगे, और मैं क्या करता हूँ कि अब डायरेक्टली जाता हूँ चार्ट पे और चार्ट पे इसको समझाता हूँ। तो अभी 335 का लो बन चुका है, बट अभी कहना चाहूंगा आपको मैं कि अभी इसमें और गिरावट आएगी और ये 329.50 तक आना चाहिए, राइट 329.50 तक मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, क्योंकि जो डबल टॉप पैटर्न बना है ये स्मॉल डबल टॉप पैटर्न है और स्मॉल डबल टॉप पैटर्न का इंपैक्ट हमेशा पावरफुल होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला जो स्टॉक है मैं दिखाना चाहूंगा वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक का चार्ट मैं आपको पहले मैं दिखा देता हूं, और उससे पहले मैं आपको अपने लेके जाऊंगा यहां पे पब्लिक चैनल पे, और यहां पे हमने ICICI बैंक 918 रुपए पे सेल कराया था आपको, और स्पेशली मैसेज कराया था कि सेल टुडे बाय टुमारो। सेल टुडे बाय टुमारो का मतलब है कि STBT, और STBT हमने अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स को कराया था और इसका मैसेज हमने पब्लिक चैनल पे भी आपको कर दिया था। इसके अलावा भी बहुत सारे मैसेजेस थे हमारी तरफ से आते रहते थे, जैसे रेमंड का हो गया और भी सारे उसके, बट अब देखेंगे तो इसको थोड़ा सा और समझेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा ICICI बैंक जो है ये देखिएगा लगातार तेजी बना रहा है, राइट ICICI बैंक क्या लगातार तेजी बना रहा है, और यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। क्या है, शूटिंग स्टार पैटर्न इसमें बन चुका है, और शूटिंग स्टार के हिसाब से इसका जो लो था वो था 905 का, 905 पे सेलिंग बन गई थी, बट जब भी आज 920 रुपए चल रहा था तो हमने बोल दिया था सेल करो, और SL है बनता है इसका 936 रुपए का, और टारगेट जो बनता है इसका बनता है 875 का। तो ये एक कॉल आपके लिए मैंने क्या जनरेट कर दी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक कॉल जनरेट करके अपने जो फंड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2x 3x 4x कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये हमारी कुछ रिकमेंडेशन है, जैसे ITC ICICI बैंक, निफ्टी बैंक में कुछ देखने को नहीं मिला, बट हमारे जो कल के टारगेट्स थे वो ऑलमोस्ट आज आ चुके हैं, और कल निफ्टी बैंक में कोई फ्रेश ट्रेड होगा तो हम बताएंगे। अब डायरेक्टली इसके लिए हम थोड़ा सा और समझेंगे, तो मैं लेके जाऊंगा आपको ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन के डेटा पे। तो ऑप्शन चेन का डेटा हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, और मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, और इसमें मैं क्या करूँगा आपको डायरेक्टली जो ऑप्शन चेन दिखाऊंगा, ऑप्शन चेन का डेटा दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा आपको ICICI बैंक का। लास्ट टाइम हमने जो करा था वो किस पे करा था, निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, बट आज मैं स्टॉक ऑप्शंस की बात करूंगा। तो अब ICICI बैंक का हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 29 एक्सपायरी, क्योंकि अभी 9 दिन एक्सपायरी में और ये मंथली एक्सपायरी पे काम करता है, साथ साथ इसका जो लॉट साइज है 1375 के आसपास है, रेट चल रहा है 920 का आप लेके चलते हैं, और अगर हम इसके पुट पे काम करते हैं हमें लगता है तो 15 का क्या है इसका इसकी जो प्रीमियम चल रहा है 15 के आसपास चल रहा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर हम स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो पहले तो हम इसका प्रीमियम देखेंगे 15 × 1375, तो इसमें जो मार्जिन लगेगा वो लगेगा 20,600 रुपये के आसपास का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपको ICICI बैंक में काम करना है तो अगर आप एट द मनी पे भी काम करेंगे तो इसमें मार्जिन जो लगेगा वो कितना लगेगा, 20,650 के आसपास का लगेगा, ये आपका मार्जिन है। अब इस मार्जिन में आप क्या करते हैं, एट द मनी की क्या लेते हैं, पुट बाय कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये गिर के कितना आ जाएगा, 870 रुपये तक आ जाएगा, 880 रुपये भी मान के चलिए आप। तो अब ये 15 पे जब आप खरीदेंगे और जब ये गिर के 880 तक आता है तो रिस्क क्या आपका पूरा 15 रुपये का है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास जो स्टॉप लॉस है 936 रुपये का है। अगर मान लो 936 रुपये भी ब्रेक हो जाता है या SL कट जाता है तो पूरे 15 रुपये नहीं जाएंगे,
तो उसमें कितना कितना नुकसान होगा, 6-7-8 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा आपका, तब भी कुछ पैसे बचेंगे आपके इसमें, क्योंकि जब भी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं उसमें भी एसएल लेके चलते हैं। हाँ बट ये है कि चलो जी 920 रुपये वाली आपने पुट ले ली, और इसका जो बेसिकली जो मैं कहना चाहूंगा इसका जो ब्रेक इवन है वो कितना होगा, 905 रुपये के आसपास होगा, 905 के आसपास होगा। बट मार्केट में वॉल्यूम इतना है कि मुझे लग रहा है कि अगर आप सेल करते हैं तो एक दिन में ही 910 फिर 900 फिर 890 बहुत तेजी से गिरेगा। अगर बाजार बहुत तेजी से गिरता है और आपका जो टारगेट है जो हमें लग रहा है कि 4 से 5 दिन में आ जाता है, तो ये 15 रुपये वाली चीज 40 रुपये भी हो जाती है, तो वहां पे आपका जो फंड है बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, मंथली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, बट वहीं हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे काम करते हैं तो हम जो वीकली एक्सपायरी पे जाते हैं या फिर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्रीमियम बहुत सस्ते मिलते हैं। और प्रीमियम सस्ते के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे जो फंड है वो बहुत तेजी से भी आपका बढ़ता है जब मार्केट आपके फेवर में जाता है। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि आप 920 की पुट पे काम कर सकते हैं, ऑलरेडी 916 का रेट चल रहा है, बाजार तेजी से गिरेगा तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, और एट द मनी पे काम करेंगे तो उसमें बिड और आस में ज्यादा स्प्रेड भी देखने को नहीं मिलेगा। तो 20,650 के मार्जिन में आप काम कर सकते हैं, बट वहीं अगर आप फ्यूचर में काम करेंगे तो वही मार्जिन आपका 1-1.5 लाख रुपए के आसपास का लग जाएगा, वो आप अपने प्लेटफॉर्म पे चेक भी कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप एट द मनी पे काम करें, उसके पुट बाय करके काम करें, ऑप्शंस बाय करके काम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। काफी लोग बोलते हैं कि भी ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं जब आपको उसकी समझ हो, आपको नॉलेज हो। बाकी दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि ये जितनी भी ट्रेड्स हैं आप जो बनाते हैं वो बेस्ड होती है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है अच्छी तरीके से तो क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा टेक्निकल एनालिसिस अगर आप वैसे सीखना चाहे तो इसके ऊपर हमने काफी वीडियोज बनाई हुई है। आप हमारी टेलीग्राम माफ कीजिएगा आप हमारे चैनल पे जाइएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है बिगनर्स के लिए, आप उसको वॉच करिए। बट अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को एडवांस सीखना है, बहुत एडवांस जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारी www.chartanalysis.co.in, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं, जिसकी फीस जो है मात्र 7,999 रुपये की है। 7,999 रुपये में आप क्या कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा बताता हूँ, 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स मिलेगा, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाई जाती है प्राइस एक्शन के साथ। साथ साथ कहना चाहूंगा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जिसमें हम बाइंग सेलिंग रिकमेंड करते हैं, जैसे हमने आज ITC सेल कराया था, जैसे हमने ICICI बैंक सेल कराया था, STBT, वो सारे मैसेजेस आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में मिलते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीकेंड के वेबिनार्स आपको हम मिलेंगे, वो भी लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ साथ कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स है जो कि 11,000 का है, 59 वीडियोज है, 15 आवर्स का कोर्स है। इसके साथ साथ ऑप्शन चेन, ऑप्शन गिर, एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी, उसके पे ऑफ सिखाए जाते हैं। बाकी अगर आप कोम्बो में जाएं तो 16,999 में टेक्निकल प्लस ऑप्शन का कोम्बो भी आप क्या कर सकते हैं परचेज कर सकते हैं। और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी भी उतनी हो जाएगी जो एक्यूरेसी हमारी है। तो दोस्तों आप क्या करिए, आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और वहां से ये कोर्स में परचेजिंग कर सकते हैं। बट अगर आपको बिल्कुल बेसिक सीखना है तो उसके ऊपर हमने फ्री में कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पे वीडियोस भी बनाई हुई हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी थी, वो ये थी कि आप ये हमारा पब्लिक चैनल है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो हमारे पेड कस्टमर हैं, पेड का मतलब है कि जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं, उनको हम ये कुछ इस तरीके के मैसेजेस दे देते हैं जिसमें हम टारगेट अचीव और इसके साथ साथ कुछ रिकमेंडेशन बाइंग सेलिंग की दे देते हैं। तो दो ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, दोनों में से डीमेट अकाउंट किसी में भी ओपन कराएंगे तो वीकेंड की क्लास साथ साथ संडे की वेबिनार्स भी आपको मिलेंगे और 10,000 की वर्थ की ई बुक्स भी दी जाएगी। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।